ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो तुम्हारे गुस्तों की गल साम हमारी बेगम ने हम पर लगा दिया और इतना कुछ कह गई। इन्हें छूने का हक तो हमें भी नहीं, तो फिर तुमने ऐसी गुस्ताखी करने की हिमाकत कैसे करती? उधर शुक्र मनाओ कि वक्त रहते हमने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि अगर आज तुम मैंने टस लेते तो क्या अंजाम होता तुम्हारा? उनका तेज सहने का ताप नहीं है तुम में। तुम्हारे जहर से तो इंसान सिर्फ एक बार मरता है, जी के रोज रोज नहीं मरता, समझे? हम आपको छूने की कोशिश नहीं कर रहे थे जोधा बेगम, बस उस सांप की जान बचा रहे थे। कुछ महक हमें खतरे का आगाज कराती है और कुछ महक जो हमें खुद खतरे में डाल देती है। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया अदा तो हम उस खुदा का करते हैं। अगर आज इस सांप को कुछ हो जाता तो हमारी बेगम पर इल्जाम लग जाता। मजाक किया था हमने, आप हंस सकती हैं। घबराइए मत जोधा बेगम, आप आराम से सो जाइए। अपनी दी हुई जुबान हम निभाते हैं, हम आपके पास नहीं आएंगे। आप हमारी बात जान कैसे चाहते हैं? आपके सर के पीछे भी क्या आंखें लगी हुई हैं? एक शहंशाह होने के नाते हमें हर और के खतरे से चौकन्ना रहना पड़ता है जोधा बेगम। शब खैर जोधा बेगम। हम जानते हैं तुम यहाँ हमारी जोधा बेगम का कत्ल करने आए थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। पर बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा कत्ल नहीं करेंगे। हम अजमेर शरीफ के पाक साफ सफर को तुम्हारे नापाक खून से नहीं रंगेंगे। जलाल का कारवां अजमेर की ओर आगे बढ़ रहा था और जोधा वो शर्मिंदा थी कि उसने जलाल को बुरा भला कह दिया था। रुको! अस्सलाम वालेकुम फकीर साहब। खुदा आपकी शोहरत और सल्तनत को बरकरार रखे। फकीर साहब, आपके पास इतने ये गहने और कपड़े क्यों हैं? पास ही इधर इलाके में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि गांव के गांव उजड़ गए, घर तो गई गरीबों के, उस पर ना पहनने को कपड़े हैं और ना ही खाने को अनाज का एक दाना। तो हम गांव गांव खुदा के बंदों से, खुदा के बंदों के लिए
अनाज और कपड़े इकट्ठा कर रहे हैं ताकि गरीबों की मदद हो सके। ठहरिए जोधा बेगम, अपने सेवरात मत उतारिए, अब जाइए यहां से। कैसे बादशाह हैं आप, अपने कर्तव्य का भान नहीं, और कैसे मनुष्य हैं, तनिक भी मानवता नहीं। प्रजा भूखी मर रही है, स्वयं ने उनके लिए कुछ किया नहीं और हमें करने नहीं दिया। साहब, हमारी बेगम को जेवरात उतारने की इजाजत ना देने की दो वजह। पहली वजह ये, बिना जेवरात के बेगम की शान कम हो जाती है, और दूसरी वजह हमारे जेवरात की कीमत उनके जेवरात से कहीं ज्यादा है। नहीं बादशाह सलामत, ये आपकी पगड़ी नहीं, ये आपकी शान है, बहुत कीमती है ये। कीमत ज्यादा है इसलिए शायद ज्यादा मुस्लिमों की मदद हो जाए, और रही बात शान की, तो किसी भी बादशाह की शान उसकी रियाया की जान से कीमती नहीं है। हम अजमेर शरीफ की दरगाह जा रहे हैं, गरीब नवाज के दर पर, और वहां बादशाह सिर्फ वो है। बिना पगड़ी बादशाह अधूरा होता है। क्रोधित थे आपसे जब आपने हमें हमारे आभूषण फकीर को देने से मना किया। गुस्सा उस वक्त हमें भी कम नहीं था मरियम ज़माली, उस वक्त हम केवल जलाल थे, अकबर नहीं। हमें भी उस समय कहां ज्ञात था कि हमारा जीवन का नया मोड़ अजमेर शरीफ की यात्रा से प्रारंभ होने वाला है। खुदा का कर्म हो आप दोनों पर, करीब नवाज की मेहर का नूर आप दोनों की जिंदगी को रोशन करे। अच्छा लगा ये देखकर एक बादशाह इस पाक जगह पर शाही पगड़ी के बगैर आया है, एक आम इंसान की तरह बंदगी करते। जब इंसान अपना गुरूर झुका देता है तो वो बहुत ऊपर उठ जाता है। जोधा बेगम, यहाँ दुआ सिर झुका कर नहीं, सिर उठा कर मांगी जाती है। आपको आपके मजहब की आजादी यहाँ भी है, अगर आप चाहें तो दुआ नहीं मांग सकती हैं। हमारा मन है शहंशाह, बहुत सुना है यहाँ के विषय में, दुनिया भर से हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। सुना है ईश्वर के बहुत दुलारे हैं ये, संसार के किसी भी शहंशाह से अधिक शक्तिशाली, परंतु उतने ही दयावान। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, जो भी यहाँ पर आता है सभी को अपनी शरण में ले लेते हैं, सभी को प्रेम का संदेश देते हैं। ये इतने महान संत की कर्म स्थली हमारे लिए पूजनीय है, इनसे मांगी गई हर प्रार्थना हमें सदैव सद्मार्ग ही दिखाएगी। सुभान अल्लाह, बड़ी पाक और ऊंची बात कही आपने बेगम साहिबा, आपकी सोच आपको ऊंचा ओहदा दिलवाएगी। हमें यकीन आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी झोली भर दी जाएगी। तू ही मेरे ख्वाबों का असल मजमुआ है, तेरे बिन ये
सारी दुनिया फानी धुआं है। मकुंतगाफुल तेरी सब चेहरे तेरे सब सीरते तेरी सब नूर तेरे सब सीरते तेरी सब नूर तेरे। ये दुनिया तूने बसाई सजाई बहते हुए पानी पर तेरी ही लिखाई। शहंशाह जलालुद्दीन और बेगम जोधा, गरीब नवाज ख्वाजा साहब की नजर इनायत आपको नसीब हो। यहाँ तक आया आपका साथ हमेशा कायम रखे। खुदा आपकी आपकी मोहब्बत का तवरुक अता फरमाए। मुगल सल्तनत को जल्द ही एक वारिस नसीब हो। आपका जोड़ा पाक और पुर नूर हो। दिल ने बचाया है। आप दोनों का साथ ता कयामत एक मिसाल बन कर रहे। हमें लगता था कि खिदमतार इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारे रिश्ते का सच नहीं मालूम, पर मालूम है नहीं था कि उनकी ये दुआ एक दिन सच बनकर हमारे सामने आएगी। अजमेर शरीफ पहुंचकर हमारा सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यहां से तो हमारे सफर की शुरुआत थी। इसे खा लीजिए, ये तवर्रुक प्रसाद। शहंशाह ने सब कुछ छीन लिया हमसे गरीब नवाज, आप हमें उन्हें पाठ पढ़ाने का एक अवसर प्रदान करें। तो क्या मांगा अपने जोधा बेगम? मांगा हुआ वर बताया नहीं जाता है, वरना इच्छा पूरी नहीं होती है। पर अगर आप उनसे पूछती तो हम आपको जरूर बताते। क्या? यही कि हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। क्यों? हमने आपसे बहुत कुछ लिया है जोधा बेगम, इसलिए हमने आपके लिए दुआ की कि आपकी दुआ पूरी हो जाए। और वैसे भी आपकी पहली जियारत है, हम चाहेंगे कि आपको पूरा मौका मिलना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। अच्छा हुआ आपने स्वयं ही ऐसी इच्छा प्रकट कर दी। बार हमने बादशाह में एक अलग ही मनुष्य को देखा था शहंशाह, वो जिसके मन में विधाता के लिए सम्मान है, जो हृदय ना होने का दावा करता है उसमें कहीं ना कहीं एक धड़कन अनुभव की हमने। आपका ये रूप देखकर हम चौंक गए थे। तेरे जो करीब है, वो ही खुशी।
वे तेरी छा है, उसी की निभा है। जिस पे तेरी छा है, उसी की निभा है। जिस पे तेरी निगाह है, वही बादशाह है। मोरे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा। मोरे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा। तुम ही जगत पिता हो ख्वाजा, तुम ही पालन। पहली बार हमने बादशाह में एक अलग ही मनुष्य को देखा था। शहंशाह वो जिसके मन में विधाता के लिए सम्मान है, जो हृदय ना होने का दावा करता है, उसमें कहीं ना कहीं एक धड़कन अनुभव की हमने। जब इंसान और खुदा के बीच का फासला कम हो जाता है, तभी ऐसा होता है बेगम मरियम ज़मानी। उस वक्त हम खुदा के बिल्कुल करीब हो गए थे, ये भूल ही गए थे कि हम मुगल सल्तनत के शहंशाह हैं। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि जब दिल का सुकून पाना हो तो खुदा के बंदे बनकर पा सकते हो। एक पल के लिए सब कुछ भूल कर खुदा की खिदमत में खो गए थे हम। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर ये नरनाल सब खेले थे ना? ग्यारत हो गया अदगा साहब, अब हम दिल जॉय करना चाहते हैं। कल सुबह हम जोधा बेगम के साथ शिकार पर जाएंगे। जैसा आपका हुक्म, हम सब तैयारियां करवाते हैं और हम भी आपके साथ चलेंगे शहंशाह। नहीं अदगा साहब, हम अकेले जाएंगे। आपकी बहादुरी पे हमें कोई शक नहीं है शहंशाह, मगर वहाँ बहुत खतरनाक शेर है। अदगा साहब, सिर्फ हम और जोधा बेगम ही शिकार पर जाएंगे। ताकि माफ शहंशाह, मगर आपकी हिफाजत। आप फिक्र ना करें, हम ज्यादा दूरी पर आगे नहीं होंगे। अब सब हमारे पीछे बासवार जंगल में हमारे लिए खेमा लगाएंगे। हमें स्वीकार नहीं है, हम यहाँ पर आपके साथ आए थे दरगाह की अर्चना करने, प्रार्थना करने, एक नेक लक्ष्य लेकर आए थे। हम अपनी आंखों के सामने निर्दोष पशुओं का वध होते हुए नहीं देख सकते। शिकार करना हमारा शौक है जोधा बेगम, और आप हमें रोक नहीं सकते। आप चाहें तो हमारे साथ आ सकती हैं और अपना हाथ आजमा सकती हैं। कि हमने सुना है कि आपका निशाना भी अच्छा है। हमारे यहाँ पर निर्दोष प्राणियों के जीवन के मूल्य पर मनोरंजन नहीं किया जाता है। क्यों? क्या आपके यहाँ कोई शिकार नहीं करता? याद रखिए जोधा बेगम, अगर हम आपकी जान नहीं बचाते तो वह सांप आपको डस लेता। इस दुनिया में जीने के लिए एक को दूसरे को मारना ही पड़ता है जोधा बेगम। ये बात प्राण बचाने की नहीं, प्राण लेने की है, वो भी केवल मनोरंजन के लिए, केवल अपने झूठे अहंकार को सिद्ध करने के लिए। आप निर्दोष प्राणियों का वध कर देंगे? अब चाहे इसे हमारा गुरूर समझे जोधा बेगम, लेकिन शिकार हमारा शौक नहीं, हमारी आदत है, और हम अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते। जिसने भी इसे बनाया है कमाल बनाया है। आग उगलती है और सामने वाले के अंदर की आग को ठंडा करती है। क्या आप रास्ते पर हमसे बात नहीं करेंगी जोधा बेगम? आप जैसा विचित्र मनुष्य हमने कभी नहीं देखा है। इतना कुछ हुआ है हमारे साथ, न चाहते हो भी इस जंगल में आपके साथ शिकार पर आना पड़ा, और अब आप चाहते हैं कि हम आपसे बातें भी करें। बस जोधा बेगम, बहुत हुआ। क्या करेंगे आप? एक घने जंगल में एक शहंशाह क्या करते हैं? शिकार। वो हम आपको नहीं करने देंगे। आप हमें रोक भी नहीं सकती हैं जोधा बेगम। रोक सकते हैं, वैसे ही जैसे उस दिन हिरण को बचाया था, जिसका आखेट आप और रुकैया बेगम करना चाहते थे। तो वो आप थी, मतलब आपने शुरू से ही ठान ली थी रुकैया बेगम को शिकस्त देने की। हमारी लड़ाई रुकैया बेगम से नहीं है, बल्कि उनसे है जो कारण ही निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं।
बिना वजह कहाँ जोधा बेगम? उस जानवर को फक्र होगा कि एक शहंशाह की दिलजोई के लिए वो कुर्बान हुआ, और हमें दुख होगा कि एक पशु को एक दूसरे पशु ने मार दिया। कौन जानवर है और कौन इंसान, इस बात का फैसला तो ये नरनाल करेगी। अस्त्र शस्त्र आत्मरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ना कि निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए। अपना इल्म अपने पास रखिए जोधा बेगम, और शोर मत मचाइए। हम नहीं चाहते कि शिकार चौकन न हो जाए। परिंदे शोर मचा रहे हैं, लगता है शिकार यहीं कहीं आसपास है।